देखंतु फ्रेंड्स, वर्तमान समय रे बहुत बड़ अपडेट आसुची। राज्य रे थिबा समस्त बीएड शिक्षा अनुष्ठान नाम लेखा लागी सेप्टेम्बर 23 अर्थात आजिटर आवेदन प्रक्रिया आरंभ हेबो। एनै आग्रही छात्र छात्री अक्टोबर 10 पर्यंत www.samsodisha.gov.in वेबसाइट रे आवेदन करि परिबे, जहार लास्ट डेट आपनको रहिछ अक्टोबर 10 तारिख पर्यंत। सेहिबळी भाबे सेप्टेम्बर 23 रु अर्थात आजिटर अक्टोबर 12 तारिख पर्यंत छात्र छात्री माने उभय ऑफलाइन किंबा ऑनलाइन रे आवेदन फ्री जहाकी रहिछ फीस दाखल करि परिबे। एहिबळी भाबे परीक्षा संपर्कित सविशेष तथ्य छात्र छात्री माने www.smeodisha.gov.in एवं www.dheodisha.gov.in एबळी भाबे केतटी वेबसाइट रहिछ जोंटर उपलब्ध होईछ सबी किछि जहाकी जे रहिछ विशेष तथ्य ताहा आपण माने जानि परिबे। एथि सहित टोल फ्री नंबर रहिछ जहाकी संजग हेल्पलाइन नंबर द्वारा मध्य आपण माने कांटेक्ट करी जहा किछि रहिछ आपनकर डाउट सकाळ 9टा रु राती 8टा पर्यंत कॉल करी छात्र छात्री माने द्वंद्व दूर करि परिबे। तो एबळी भाबे जदि कहिबा चलित वर्ष विद्यालय गणशिक्षा विभाग समेत उच्च शिक्षा विभाग एसटी एवं एससी उन्नयन विभाग अधीन शिक्षानुष्ठान नामलेखा एकक प्रवेशिका परीक्षा अनुष्ठित हेब। एथसहित ऑनलाइन माध्यम रे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अर्थात सीबीटी मोड रे परीक्षा करा जिवो। टी एंड एससीईआरटी अधीन रे थिबा शिक्षानुष्ठान व्यतीत एसटी एवं एससी उन्नयन विभाग रे 3टी एवं उच्च शिक्षा विभाग अधीन रे थिबा 12टी शिक्षानुष्ठान नामलेखा पई एई प्रवेशिका परीक्षा करा जिवो, जहा कि वर्तमान समय रे सबटारु बड अपडेट। राज्य रे थिबा समस्त बीईडी कॉलेज रे वर्तमान आवेदन आरंभ हो सारी, छात्र छात्री मैंने वर्तमान अप्लाई करेंगे, जार लास्ट डेट रही अक्टोबर 10 तारीख पर्यंत। तो फ्रेंड्स, यार भितर बीईडी को नहीं जो सब डिटेल्स इनफर्मेसन रही ए टू नई जेड पर्यंत जहाँ किसी डिटेल्स इनफर्मेसन रही, तो चलते वर्तमान आम स्टेप बै स्टेप सब किसी डिटेल्स आलोचना करवा। तो फ्रेंड्स, जो भी भाव आप देखिपे एडमिशन टू बीईडी कोर्स फॉर द सेक्शन 2020-22 अर्थात आपंकर एडमिशन सेक्शन जहाँकि रही 2020-22 ये जो ऑफिशियली आसी इनफर्मेसन समस्त छात्र छात्री डायरेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड एससीईआरटी तरफ ओडिशा भुवनेश्वर, जहाँकि वर्तमान समय में सब बड़ अपडेट जहाँ किसी रही डिटेल्स इनफर्मेसन आज आम वीडियो माध्यम से सब किसी डिटेल्स आलोचना करवा। तो ध्यान देते प्रथम रही आपंकर ड्यूरेसन जो भाव आपने जानते टू इयर एकाडेमिक इयर्स अर्थात 2 वर्ष कोर्स होता है बीईडी प्रोग्राम। तो यह भाव 2 वर्ष कोर्स रही आपंकर सेकेंड रही आप देखिपे जहाँकि नेम अफ द इनट्यूसन एंड इनटेक कैपासीटी अर्थात आपंकर 2 वर्ष बीईडी कोर्स में जो सब आपंकर इनट्यूसन मैंने रही एसत कतोटी लिखाई सीट रही है सेटे गवर्नमेंट सीट और प्राइवेट सीट सब किसी डिटेल्स दि जाइए जो भी भाव आप देखिपे। प्रथम आपंकर जो रही एसटी एंड एससी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अंडर में जो जिते सारा सीट रही एसत आपंकर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अंडर में जिते सारा सीट रही एसत सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में जिते सारा सीट रही बीईडी कोर्स में। तो आपने देखिपे जहाँकि डिटेल्स इनफर्मेसन रही प्रथम आप देखिपे इनट्यूसन अंडर स्कूल एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट अर्थात आपंकर ये जो 5टी रही 5टी इनट्यूसन यह गवर्नमेंट सीट अर्थात गवर्नमेंट तरफ जो सब इनट्यूसन मैंने रही जगत सिंहपुर ढेंकानाल पुरी भद्रक जाजपुर जोटे आपंकर 50टी लेखाई सीट अच्छी समुदाय 250टी सीट अच्छी। यही भाव आपड़ा देखिपे जहाँ रही इनट्यूसन अंडर एसटी एंड एससी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अर्थात एसटी एससी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अंडर जो आपंकर रही इनट्यूसन कलिंग कंधमाल जहाँकि आपंकर बीईडी ट्रेनिंग कलेज जहाँकि गवर्नमेंट आज देखिपे टोटाल 100टी सीट रही। यही भाव इनट्यूसन अंडर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट सेल्फ फाइनेंसिंग मोड अर्थात हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट रे अंडर रे जो सब मान इनट्यूसन रही सेल्फ फाइनेंसिंग मोड रे बीईडी कोर्स प्रोवाइड करते हैं। देखिपे बीजेपी कॉलेज भुवनेश्वर 50टी सीट से भद्रक कॉलेज भद्रक 50टी एंड डीडी कॉलेज केउजोर 50टी से भाव आप रही गवर्नमेंट कॉलेज भवानीपाटना से 50टी सीट रही गवर्नमेंट कॉलेज सुंदरगढ़ 50टी खलीकट कॉलेज जहाँकि ब्रह्मपुर 50टी एंड पंचायत कॉलेज जहाँकि बड़गढ़ 50टी भाव राजधानी कॉलेज भुवनेश्वर 50टी सीट भी देव कॉलेज जयपुर 50टी सीट एसबी ओमेन्स कॉलेज कटक 50टी सीट राजेन्द्र कॉलेज बलांगीर जहाँकि 50टी सीट रही एथसत एससीएस कॉलेज पूरी जो 50टी सीट रही भाव ग्रांड टोटाल जी कह 950टी सीट रही। तो समुदाय आप देखिपारे 950टी सीट रही बीईडी कोर्स। तो आपड़ी इंटरेस्टेड अच्छा बीईडी करने तो आपने जो भी आम एटे आलोचना कले ए समस्त इनट्यूट अप्लाई करेंगे। तो बर्तमान आप जो भी देखिपे चलित बर्ष कमन एंट्रान्स एक्जामेसन अनुषित हम समस्त इनट्यूसन मानक। तो यही भाव एस जो सब इनफर्मेसन एटे दि जाइए आम स्टेप बै स्टेप सबकि आलोचना करवा। तो आम जो भी भाव प्रथम जान लें जो सब रही आपंकर इनट्यूसन मान और कतोटी लेखाई सीट रही समस्त इनट्यूट्रे एसत इलीजिबिलिटी क्राइटेरिया अर्थात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन रही बीईडी करने के छात्र छात्री मैंने अप्लाई करें और एडमिशन करेंगे समस्त इनट्यूट्रे। तो देखो इलीजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी भाव आप स्पष्ट भाव देखिपे द कैंडिडेट मोस्ट फुलफिल द इलीजिबिलिटी कंडीशन गिवेन बिलो अर्थात आपंकर जो इलीजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पष्ट भाव दि सारी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पक्ष सी ही मोस्ट बी एन आर्ट्स साइंस ग्राजुएट अर्थात आपड़
आर्ट्स किंवा साइंस रे ग्रेजुएशन करथिबा आवश्यकता जनरल कैंडिडेट शुड हैव एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट इन द बैचलर डिग्री एग्जामिनेशन अर्थात आपनकर जो छात्र छात्री माने जनरल कैटेगरी बिलोंग करचुंती तो आपनकर ग्रेजुएशन रे 50% मार्क एग्रीगेट थिबा आवश्यक तेबे जाई आपन अप्लाई करि परिबे बीडी कोर्स पई आपनकर जे बडी भाबे रहिछ आपनकर आर्ट्स साइंस प्रथम रहिछ आपन आर्ट्स किंवा साइंस रे ग्रेजुएशन करथिबा आवश्यक एवं आपनकर 50% मार्क थिबा आवश्यक तेबे जाई आपन अप्लाई करि परिबे एथि सहित जो छात्र छात्री माने एसटी एससी एससी बीसी पीएच कैंडिडेट अर्थात ए समस्त कैटेगरी बिलोंग करचुंती तो आपन मानक पई 5% रिलैक्सेशन रहिछ अर्थात आपनकर 45% मार्क एग्रीगेट हेउतिबा आवश्यक तेबे जाई आपन अप्लाई करि परिबे बीडी कोर्स पई तो बस एथिकि आपनकर जा रहिछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो एथि सहित जो छात्र छात्री माने बीटेक करिसेंती कैंडिडेट हैविंग बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बीटेक जो छात्र छात्री माने करी बीडी करबा पई इच्छुक अछंती तो आपन मानक पई जो रहिछ आपन एटा देखि पउतिबे स्पेशलाइजेशन साइंस एंड मैथमेटिक्स आर एलिजिबल टू अप्लाई विथ 50% मार्क इन एग्रीगेट अर्थात आपनकर 50% मार्क थिबा आवश्यक जो छात्र छात्री माने जनरल कैंडिडेट अर्थात आपनकर जनरल कैटेगरी बिलोंग करचंती तो आपनकर 55% मार्क थिबा आवश्यक एथि सहित जो छात्र छात्री माने एसटी एससी एससी बीसी पीएच कैंडिडेट रहिचंती बीटेक करचंती तो आपन मानकर 50% मार्क एग्रीगेट थिबा आवश्यक तेबे जाई आपन अप्लाई करि परिबे बीडी कोर्स पई तो फ्रेंड्स एहिपरि भाबे अन्य जो सब इन्फॉर्मेशन माने रहिचि चल चलंतु आमे स्टेप बाय स्टेप सब किछि देखिबा जा किछि इन्फॉर्मेशन रहिचि एठारे एहा परे भी जदि भी आपन मन रे कोनोसी प्रकार डाउट रहे निश्चित भाबे कमेंट करिबे आमे चेष्टा करिवु परवर्ती समय रे एक स्वतंत्र वीडियो प्रोवाइड करिबा पई तो फ्रेंड्स एठारे मध्ये आउ गोटे जिंस जहा कि आपन ध्यान देबे 3.5 पॉइंट रे जहा आपनको रहिचि द एज लिमिट आज 31 अर्थात 31 अगस्त सुधा आपनकर बयस केते होइतेबा आवश्यक तेबे जई आपन अप्लाई करि परिबे तो एठा निश्चित भाबे आपनकर एज लिमिट को ध्यान देबे समस्त छात्र छात्री जो माने एससी एसटी एंड एससी बीसी कैंडिडेट होइचंती तो आपन माने 30 वर्ष ऊपर को जदि आपनको बयस होइ जाउची 31 अगस्त सुधा तेबे आपन अप्लाई करि परिबे नै 31 अगस्त सुधा आपनकर बयस 33 वर्षरु तळकु हेउतेबा आवश्यक तेबे जई आपन अप्लाई करि परिबे एहिपरि भाबे जो माने रहिचंती वुमेन्स कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी अर्थात जो माने जो सब जो माने रहिचंती अप्लाई करूचंती तो आपन मानक पई मध्ये सेम रहिचि 31 अगस्त सुधा आपनकर बयस 33 वर्ष हेउतेबा आवश्यक किंबा ताटरु तळकु हेउतेबा आवश्यक ओ जदि 33 वर्ष उद्ध होउचि तबे आपन अप्लाई करि परिबे नै एथि सहित आपन जो माने रहिचंती जनरल कैटेगरी स्टूडेंट तो आपन मानक पई जो रहिचि एज लिमिट आपनकर 28 वर्ष हेउतेबा आवश्यक 31 अगस्त सुधा 28 वर्षरु जदि अधिक होउचि आपन अप्लाई करि परिबे नै 28 वर्ष तळकु हेउतले आपन अप्लाई करि परिबे एवं एथि सहित जो माने पीएच कैंडिडेट रहिचंती तो आपन मानक पई एज लिमिट जा कि अधिक रहिचि आपन एटा देखि पड़तिबे 38 वर्ष रहिचि आपनकर 31 अगस्त सुधा आपनकु 38 वर्ष जदि होतै आपन अप्लाई करि परिबे जदि एहाटरु अधिक होतै आपन अप्लाई करि परिबे नै अर्थात आमे एटा जो एज लिमिट कहुचु 38 वर्ष एहाटर तळकु थिले आपन अप्लाई करि परिबे जदि उपरकु रहुचि 38 रु 39 वर्ष किबा 40 वर्ष होउचि तेबे आपन अप्लाई करि परिबे नै तो एबोली भाबे रहिचि आपनकर एज लिमिट एहा परे देखिबा आमे जो अन्य जो सब इन्फॉर्मेशन माने एटा दिया जाइछि कास्ट सर्टिफिकेट मध्ये रहिचि आपन जदि कास्ट सर्टिफिकेट जे कोनसी कास्ट अप्लाई करिबे तो कास्ट सर्टिफिकेट आपन पके थिबा आवश्यक कारण वेरिफिकेशन टाइम रे जाकी काउंसलिंग टाइम रे एडमिशन टाइम रे आपनकर सर्टिफिकेट रो जाकी आवश्यकता रहिछि तो एबोली भाबे आपन ऑनलाइन जेतबले भी फॉर्म फिल अप करचंती ध्यान पूर्वक सब किछि डिटेल्स रे सटीक भाबे फिल अप करिवे कारण जदि भी कोनसी जगह रे भूल करचंती कोनसी भूल इन्फॉर्मेशन देउचंती तो आपनकर एडमिशन टाइम रे मध्ये एहाकु कैंसिल कर दिया जाई पारे आपनकर फॉर्म तो फ्रेंड्स एहा परे आपनकर रहिछि आपनकर जो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करा जिवो एहार सिलेबस कोन रहिछि एवं किबडी भाबे आपनकर क्वेश्चन आसेबो एहाकु नै पैटर्न कोन रहिछि तो से बाबद रे आपन एठरे देखि पड़ुतिबे जहाँकि स्पष्ट भाव रही आपड़ जानते पेपर वन पेपर टू यही भाव आप दुईट पेपर आसी थे आपको एक्जाम देवाई पड़ता है तो यठार आप जो भाई देखिपे पेपर वन इज कंपलसरी फर ऑल कैंडिडेट्स बोथ आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप अर्थात आर्ट्स हो कि साइंस ग्रुप जेको छात्र छात्री हूँ ना कहीं आपंकर पेपर वन कंपलसरी इट विल टू कनसीडर लांगुएज जहाँकि इंग्लीश जेनराल अवेयरनेस रिजनिंग एंड टीचिंग एप्टीट्यूड यही जहाँकि आपंकर समस्त आपंकर 30 मार्क आसव इज क्वेश्चन क्यारिज वन मार्क अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन एक मार्क विशिष्ट रहिबो ऑल क्वेश्चन शैल बी मल्टीपल चॉइस टाइप अर्थात आपनकर समस्त क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस टाइप रो क्वेश्चन ही रहिबो अर्थात गोटिए जहाँ कि प्रश्न रहिथिबो तळे संभाव्य चारि गोटी उत्तर दिया जाइथिबो सेति मध्यरु आपनकु सटीक उत्तर बाछिबार अछि तो जहाँ कि आपनकर चलित वर्ष ऑनलाइन
माध्यम परीक्षा अनुषित होकर पेपर वन तीस मार्क क्वेश्चन आसो ये तीस मार्क आसो आपर लांगुएज इंग्लीश जनरल अवेयरनेस रीजनिंग टीचिंग एप्टीट्यूड ही तीस मार्क आसो यही भाव जो पेपर टू रही पेपर टू रू आपर षाठी मार्क आसो जो भी आप देखिपे साल भी अफ सिक्सट मार्क्स अर्थात षाठी मार्क आसो देर आर टू सेक्शन द कैंडिडेट हाव टू सिलेक्ट एनी वन सेक्शन एंड शैल हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन सेक्शन ए इज मीट फॉर आर्ट्स ग्रुप द कैंडिडेट हु सिलेक्टेड द आर्ट्स ग्रुप शैल हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम जनरल इंग्लिश उड़िया जियोग्राफी हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस द कैंडिडेट सिलेक्टिंग द साइंस ग्रुप द सेक्शन बी शैल हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम फिजिकल साइंस बायो साइंस एंड मैथमेटिक्स ईच क्वेश्चन कैरीज वन मार्क ऑल द क्वेश्चन आर मल्टीपल चॉइस टाइप अर्थात पेपर टू रू आपर षाठी प्रश्न आसो षाठी प्रश्न आसो या दुईट भाग में विभक्त कर पेपर जहाँकि पार्ट ए पार्ट बी पार्ट ए टी जो षाठी प्रश्न रही है रही है आर्ट्स छात्र छात्री पार्ट बी जो षाठी प्रश्न रही है रही है साइंस छात्र छात्री जो छात्र छात्री मैंने ग्राजुएसन आर्ट्स लेवल पढ़ी थे पास आउट होते तो आपको पेपर वन जहाँकि रही आर्ट्स स्टूडेंट मानी आपको जहाँकि आंसर देवाई पड़ो और आपको जो षाठी मार्क प्रश्न आसो यह आपंकर आसो जनरल इंग्लीश ओडिया जियोग्राफी हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस एपंकर षाठी मार्क प्रश्न आसो एथसत जो आपर सेक्शन बी अर्थात पार्ट बी जहाँ रही है जो आपर षाठी मार्क क्वेश्चन आसो साइंस स्टूडेंट मानी आपंकर रही सब्जेक्ट फिजिकल साइंस बायो साइंस एंड मैथमेटिक्स योटी हूँ आपंकर षाठी मार्क प्रश्न आसो और समस्त क्वेश्चन जहाँकि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन ही रोक तो फ्रेंड्स यही भाव आपर जहाँ कि रही है सेक्शन ए सेक्शन बी जहाँकि देखिपे डिटेल सिलेबस मेंशन कर पेपर वन जो आपर तीस मार्क रही है देखिपारे लांगुएज इंग्लिश आपंकर दस मार्क आसो से एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस पांच मार्क और रिजनिंग रू पांच मार्क एथसत टीचिंग एप्टीट्यूड आसो दस मार्क यही भाव पेपर वन जहाँकि समस्त छात्र छात्री रान रर्थात जो आर्ट्स हूँ कि साइंस बैकग्राउंड छात्र छात्री हूँ आपको ये जो पेपर वन रही है आपंकर तीस मार्क यो डिवाइडेड कर देखिपे दस मार्क आसो लांगुएज रू और इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस रू पांच मार्क रिजनिंग रू पांच मार्क टीचिंग एप्टीट्यूड दस मार्क तो ये तीस मार्क आप समस्त को देवाई पड़ो यही भाव पेपर टू जो रही है आप षाठी मार्क ये षाठी मार्क आप देखिपे सेक्शन ए सेक्शन बी तो सेक्शन ए रे जो रही है आर्ट्स स्ट्रीम अर्थात जो छात्र छात्री मैंने ग्राजुएसन आर्ट्स करते तो आपर जो क्वेश्चन आसो जनरल इंग्लीश रू पंद्रह क्वेश्चन ओडिया आसो दस टी क्वेश्चन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस रू आसो कोड़े क्वेश्चन जियोग्राफी रू आसो पंद्रह क्वेश्चन यही भाव समुदाय षाठी क्वेश्चन आसो आर्ट्स छात्र छात्री ठीक से ही भाव सेक्शन बी रे साइंस स्ट्रीम अर्थात जो मैंने ग्राजुएसन साइंस करते तो आप जो षाठी मार्क क्वेश्चन आसो ताब फिजिकाल साइंस रू कोड़े और बायो साइंस रू कोड़े मैथमेटिक्स रू कोड़े यही भाव आप षाठी क्वेश्चन यापर ड्यूरेसन अफ द टेक्स्ट अर्थात आपंकर जो समय सीमा रोक नबे क्वेश्चन आपंकर नबे मिनिट समय रोक अर्थात एक घंटा तीस मिनिट समय रोक आपको नबे क्वेश्चन आंसर देवाई पड़ो यही भाव जो आम कहे टाइप अफ क्वेश्चन आपंकर मल्टीपुल चॉइस विथ फोर ऑप्शन द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू चूज द बेस्ट करेक्ट आंसर अर्थात आपंकर मल्टीपुल चॉइस रो क्वेश्चन आसो आपंकर जो भाव आम एटे कहलु गोटे प्रश्न तले संभाव्य चार गोटे उत्तर दि जाइय आपको सठिक उत्तर बाछापी पड़ो तो फ्रेंड्स यही भाव एथसत सिलेबस जहाँ किसी कंप्लीट दि सारी आपड़ क्यों विषय कौन पढ़ाक पड़ो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस रू जियोग्राफी कौन किभली भाव पढ़े सबकि डिटेल्स इनफर्मेशन दि सारी आपड़ यार पीडीएफ जहाँ किसी डाउनलोड कर ये जो आपर सिलेबस रही है यहाँ देखि सठिक भाव में प्रिपेयर करेंगे प्रस्तुत हो पारे जहाँफल कि बीईडी एग्जाम आपको जो सब आसो क्वेश्चन ता बुझाक सहज हो जानवा सहज हो तो निश्चित भाव एटे ध्यान देते आपंकर नेगेटिव मार्किंग रही है जो भाव आप देखिपे द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट शैल बी इवैल्यूएट बोथ द बेसिक ऑफ करेक्ट इनकरेक्ट रिस्पांस फॉर एवरी इनकरेक्ट रिस्पांस 0.25 मार्क शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट्स फॉर रिक्वायर्ड करेक्ट रिस्पांस अर्थात आपंकर जदि गोटे प्रश्न भूल आंसर देउचंती तो आपंकर जो मार्क रही नेगेटिव मार्किंग 0.25 हिसाब से आपंकर मार्क डिडक्टेड करा अर्थात जदि आपंकर चार गोटे प्रश्न भूल आंसर देउचंती आपण तेबे आपंकर एक मार्क कटी जिवो सेई भली भाबे प्रत्येक क्वेश्चन पई आपंकर एक मार्क रही जदि प्रत्येक क्वेश्चन सटिक करुचंती तो गोटे क्वेश्चन जदि ठीक भाव में लिखुचंती सटिक आंसर देउचंती एक मार्क मिलिबो और जदि भूल करुचंती 0.25 मार्क हिसाब से आपंकर मार्क काटि दिया जिवो तो फ्रेंड्स एई भली भाबे आपंकर रही नेगेटिव मार्किंग एवं जे भली आमे कहिलु आपंकर जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करा जिवो या ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड अर्थात सीबीटी मोड रे ही परीक्षा करा जिवो या परे भी जदि कोनोसे प्रकार डाउट रहुचि निश्चित भाबे कमेंट करंतु आमे जे भली भाबे एटा आलोचना करले सब किछि डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जहा किछि ते रहिचि तो यापर आपंक जो सिलेक्शन प्रोसेस होती जो एंट्रेंस एग्जाम सब मार्क रही है मेरिट लिस्ट प्रकाश पाइब और मेरिट लिस्ट अनुजाई आपर एडमिशन हम तो फ्रेंड्स यापर भी जदि कौन प्रकार डाउट रोचे मनरे बीईडी कोर्स
को नहीं तो निश्चित भाव कमेंट करूँ, आम चेस्ट करूँ परवर्त समय एक स्वतंत्र वीडियो प्रोवाइड करने। थैंक यू।